वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के निर्देश पर अपराधियों एवं वांछित अभियुक्तों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बलदेव पुलिस ने क्षेत्र के कटरा चौराहे से चेकिंग के दौरान एक गैंगस्टर एक्ट एवं विभिन्न चोरियों में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसकी जानकारी देते हुए SP देहात श्रीश चंद ने बताया कि बलदेव पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है, जिसमें कटरा चौराहे से एक अभियुक्त को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है और एक उसका साथी भागने में सफल रहा। पकड़ा गया अभियुक्त जितेंद्र उर्फ गब्बर पुत्र पूरन सिंह उर्फ पप्पू निवासी बरौली थाना बलदेव है। SP देहात द्वारा बताया गया है कि अभियुक्त ने पूछताछ में विभिन्न चोरी की घटनाओं को कबूला है। पुलिस ने अभियुक्त के पास से दो चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। SP देहात द्वारा बताया गया है कि अभियुक्त अपने भाई व अन्य साथियों के साथ मिलकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है। किसी के द्वारा कस्बे की SBI बैंक से भी एक मोटरसाइकिल की चोरी की गई थी, जिसको लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं SP देहात ने कहा अब अभियुक्त के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही कर जेल भेजा जा रहा है। अमित अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। थाना बलदेव पुलिस द्वारा एक अभियुक्त जो कि चोरी एवं गैंगस्टर के मामले में बातचीत चल रहा था, जितेंद्र उर्फ गब्बर सना पूरन सिंह उर्फ पप्पी निवासी बरौली थाना बलदेव को कल गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गई दो मोटरसाइकिल एवं चोरी के ही एक प्रकरण में 700 रुपये भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। इसके अन्य साथियों को जो भी अन्य प्रकार की घटनाओं में इसके सहयोगी रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी कर शीघ्र ही कठोर विधि कार्रवाई की जाएगी। ऐसा मामला है कि अपने भाई के साथ मिलकर वारदात। हाँ, इसके सभी सहयोगियों को चिन्हित किया जाएगा और इसके पश्चात उनके खिलाफ भी